Assalamualaikum everyone, so welcome back again to my YouTube channel. So आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कोरियन ब्यूटी सीक्रेट। तो नाइट क्रीम हमने बनानी है विद द हेल्प ऑफ राइस। आपने राइस ले लेने हैं 5 टेबल स्पून और इनको भिगो देना है आपने ओवरनाइट के लिए। राइस के अलावा हमें चाहिए विटामिन ई की 2 कैप्सूल्स। ये इवियन 400 मिलीग्राम के कैप्सूल्स है और छोटा कंटेनर लेना है जिसमें आपने जो है ना वो अपनी क्रीम स्टोर करके रख लेनी है फ्रिज के अंदर। ये जो चावल जो है वो मैंने सारी रात रख लिए, भिगो लिए। अब हमें इनको ग्राइंड करना है इसी पानी में और उसको फिल्टर कर लेना है, उसमें से निकाल देने है। राइस जस्ट वाटर चाहिए। तो ये जी मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये इस तरह से मिल्की सा एक लिक्विड हमें मिल जाएगा। वो आपने एक पैन है ना, उसमें ये जो वाटर हमने जो है फिल्टर किया था इसको हमने पकाना है लो फ्लेम के ऊपर। हम ये देखें कि ऐसा ऐसा इस तरह से स्टार्ची सा हमारे पास जो है वो आ जाएगा मटेरियल। ये देखिए ज़रा, इसको इस तरह कंटिन्यूसली मैं हिलाते रहूँगी और ये देखिए ये कम भी होता जाएगा और जो है इस तरह से स्टार्च बनती जाएगी। स्टार्च की तरह कहिए कि हमारे पास लिक्विड सा आ जाएगा। ये देखिए जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे ये थिक होता जाएगा। ये देखिए जी, ये अब लास्ट में जो हमारे पास बचता है वो ये है, इस तरह का थिक मटेरियल हमारे पास बचता है। ये अब हमारे रेडी है क्रीम। देखिए इसको अब हमने ठंडा कर लेना है। अब हमने कैप्सूल्स ऐड कर लेने हैं इसमें। अगर आप चाहें तो आप इसमें मिल्क भी 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैं इसमें अब कैप्सूल्स ऐड कर लूँगी। मिक्स कर लेना आपने इसको अच्छे तरीके से और अपने जो है ना वो कंटेनर में इसको डाल के स्टोर कर लेना है इन द रेफ्रिजरेटर। नाइट क्रीम है आपने रोज़ रात को लगा लेनी है, अपने हाथों पे लगा लें, अपने फेस पे लगा लें, नेक पे लगा लें, ये बहुत ज़्यादा वर्क करेगी इंशाल्लाह। ये कोरियन जो है ब्यूटी सीक्रेट है। जापानीज़ कोरियन और जो चाइनीज़ होते हैं बहुत ज़्यादा राइस का इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किन के लिए, अपने हेयर के लिए और अपनी हेल्थ के लिए। इसीलिए वो लोग जो है अपनी एज से कम लगते हैं और जो है उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लास और ट्रांसपेरेंसी होती है। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।